बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मेरा आपसे बात करने का मकसद सूबे सिंध में कोरोना वायरस के बारे में आगाही देनी है। सिंध सूबे में 5 अप्रैल आज सुबह 8 बजे तक 8,931 केसेस टेस्ट किए गए। इन 8,931 में से 881 यानी 881 पॉजिटिव टेस्ट आए। इन पॉजिटिव टेस्ट के जो 26 फरवरी से शुरू हुए थे उनमें अभी तक 123 अफराद रिकवर करके घरों को जा चुके हैं। और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल ये 24 घंटे जो मैंने बताया आपको 4 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेके 5 अप्रैल सुबह 8 बजे तक 68 नए अफराद इस मर्ज़ से क्योर हुए हैं। और इन 68 अफराद की डिटेल भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके अलावा जो अफसोसनाक खबर यह है कि 15 लोग इस वायरस की वजह से आज सुबह 8 बजे तक अपनी जान दे चुके हैं। इसका मतलब है कि टोटल 881 में से अब 743 अफराद कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हैं सिंध में। और इन 743 अफराद की ज़रा डिटेल भी मैं आपको दे दूं, इनमें से 380 घरों में आइसोलेशन में हैं, 224 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं और तकरीबन 139 यानी 139 मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी है इस कोरोना वायरस के मर्ज जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको डील करने की, वो ऐसा है कि जो लोग घरों में आइसोलेट हो सकते हैं, और ये वो लोग हैं जिनको कोई ख़ास सिम्टम्स ना हो या थोड़े हल्के फुल्के सिम्टम्स हों और उनके घर में ऐसी सहूलत मौजूद हो कि वो आइसोलेट हो सकें, हम उन्हें घरों में रख रहे हैं। और इसी मद में 380 अफराद घरों में हैं। जो जिनके घरों में ये सहूलत मौजूद ना हो और हम समझते हैं कि वो और घर वालों को इन्फेक्ट कर देंगे, उनको हम गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में रखते हैं। और 224 पेशेंट इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में और बाकी 139